तो रूट डायवर्ट हुआ और रूट डायवर्ट होने की वजह से राजधानी दिल्ली में जो आमतौर पर जाम देखने को मिलता है, जाम ज्यादा बढ़ गया। जायजा लिया टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। इंडिपेंडेंस डे की फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर लाल किले के आसपास की लगभग जिन आधा दर्जन सड़कों पर ट्रैफिक की पाबंदी लगाई गई थी, वो पाबंदी सुबह आधा घंटा पहले ही हटा ली गई है। हालांकि कल जो पुलिस ने अपनी एडवाइजरी जारी की थी, उसमें पुलिस ने ये कहा था कि लाल किले के आसपास की तकरीबन आधा दर्जन सड़कें इस फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी, लेकिन लोगों की सहूलियत को देखते हुए पुलिस ने ये पाबंदी 8:30 बजे ही ख़त्म कर दी है। इस वक्त हम जो दिल्ली गेट है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो गुजर चुका है, जिसकी वजह से उसके बाद यहाँ का जो ट्रैफिक पाबंदी है वो पूरी तरीके से हटा ली है। हालांकि इस रोड पर सुबह 5 बजे से लेकर ही ट्रैफिक की आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई है थी सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री का काफिला 8:15 बजे यहाँ से गुजर चुका है, तो 8:30 बजे यहाँ से जो ट्रैफिक की पाबंदी थी वो सब हटा ली गई है। सिर्फ ये रास्ता बचा हुआ है जो आईटीओ के लाल किले की तरफ जाता है, यहाँ पर ज़रूर बैरिकेडिंग की गई है, इसको ज़रूर रोका गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इस चौराहे पर बाकी सड़कें देखें तो वहाँ पर अब सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है, अब किसी भी रोड पर कोई पाबंदी। इधर देख सकते हैं कि इस रोड को भी अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इस पाबंदी के दौरान सुबह से ही लोग परेशान होकर नजर आए, खासकर जो लोग पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली या फिर नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली आना जाना चाह रहे थे, और जो लोग रेलवे स्टेशन खासकर नई दिल्ली और पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे थे, उनको इस ट्रैफिक की पाबंदी की वजह से खासी परेशानी हुई और लोगों को लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ा। हालांकि पुलिस ने पहले ही उनको हो सके तो इन रास्तों से बचने की कोशिश करें, और पुलिस ने वैकल्पिक व्यवस्था के मद्देनजर जो रूट डाइवर्जन किया गया था उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करें। मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही पाबंदी 15 अगस्त के दिन भी रहने वाली है, और 15 अगस्त के लिए भी लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि जब तक ये पाबंदी रहेगी तब तक हो सके लगाई गई है। कैमरामैन राकेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।